बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में एक लेदर बॉल क्रिकेट ग्राउंड के शुभारंभ के साथ 10 दिवसीय टूर्नामेंट का भी आयोजन हुआ। अलहमद ग्रुप विधायक चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से यह पहला ऐतिहासिक लेदर टूर्नामेंट सीरीज हुई। यह ग्राउंड फुल नेशनल क्रिकेट एकेडमी के रूप में बना है और उसमें कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट हो सकते हैं। IPL भी खेला जा सकता है। इससे पहले राजधानी में इतना बड़ा ग्राउंड नहीं था। यह राजधानी का पहला ग्राउंड होगा। 10 दिवसीय टूर्नामेंट का फाइनल आज हुआ, जिसमें मंत्रालय 11 और वेदांत 11 के बीच मैच खेला गया, जिसमें मंत्रालय 11 ने फाइनल मैच जीता है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कुराना ग्राम में आयोजित टूर्नामेंट का समापन हुआ है और इसमें जो विजयी टीम रही वह हमारी मंत्रालय 11 ने जो है ये प्रथम पुरस्कार जीता है। द्वितीय पुरस्कार के अंदर वेदांत 11 ने इसको जीता है। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ है और विशेष रूप से जो लेदर बॉल से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब आजकल मैक्सिमम जितने भी टूर्नामेंट हैं वो टेनिस बॉल से हो रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक इस नाते से अलहद अकेडमी को कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहां पर आयोजित किया है। और क्योंकि जितने भी बड़े टूर्नामेंट जो होते हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उसमें कहीं ना कहीं जो लेदर बॉल से जो हमारे खिलाड़ी खेलते हैं उन्हीं को उसके अंदर अवसर मिलते हैं, IPL हो या अन्य स्पर्धाएँ हों। और इसलिए इस प्रकार के आयोजन आवश्यक है। इन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है आगे आएंगे, आगे चयनित होंगे। मैं ढेर सारी जो विजेता टीम है उसको शुभकामनाएं देता हूं, आयोजक गणों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बड़ा सुंदर आयोजन उन्होंने आयोजित किया। 31,000 रुपये प्रथम पुरस्कार था और द्वितीय पुरस्कार के रूप में भी जो है ट्रॉफी और राशि का रखी गई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।